थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, मैं अक्सर खाना अपने फैम के साथ खाता हूँ। फैम ये कौन सी डिश है? तो एक काम कर, एबीसी स्किल्स चैनल पे फैम का मीनिंग जान, तुझे पता लग जाएगा कि ये डिश कौन सी है। हेलो मेरे क्लासी दोस्तों, दिस इज संकेत फ्रॉम एमसी स्किल्स एंड आज मैं आप लोग के सामने लेकर के आया हूँ मीनिंग ऑफ फैम। सबसे पहले तो गाइस आपको बता दूं कि फैम हमारा एक नाउन है और ये हमारा इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज होता है, जिस वर्ड को हम अपने ऑफिशियल लैंग्वेज में यूज नहीं कर सकते। तो चलिए गाइस अब हम फैम के मीनिंग के बारे में जानेंगे। तो गाइस फैम का एक नहीं, फैम के दो दो मीनिंग है। जो आपका फैम का फर्स्ट मीनिंग है वो है आपकी फैमिली, यानी फैमिली की जगह हम लोग शॉर्ट में फैम का यूज भी करते हैं। तो चलिए गाइस अब हम सेंटेंसेस के हेल्प से जानेंगे कि फैम को हमें अपने सेंटेंसेस में कैसे कैसे फिट करना है। तो जो आप लोग के पास फर्स्ट सेंटेंस है वो है, आई यूजली ईट विद माई फैम, यानी मैं अक्सर अपने फैम के साथ ही खाता हूँ। जैसे गाइस मैंने आपको स्टार्टिंग में इस वीडियो में कहा था ना कि मैं अपने फैम के साथ ही अक्सर खाता हूँ, तो गाइस फैम डिश नहीं, फैम एक फैमिली के लिए हम यूज करते हैं। आई यूजली ईट विद माई फैम। अब चलेंगे मैं अपने सेकेंड सेंटेंस की तरफ। तो जो आप लोग के पास सेकेंड सेंटेंस है वो है, पंकज वॉन्ट्स टू स्पेंड मोर टाइम विद हिज फैम, यानी पंकज अपना जो समय है वो ज़्यादातर अपने फैम के साथ यानी फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहता है। पंकज वॉन्ट्स टू स्पेंड मोर टाइम विद हिज फैम। तो गाइस इस तरीके से हम लोग फैम को अपने सेंटेंसेस में यूज करेंगे। अब हम जानेंगे फैम के अपने दूसरे मीनिंग के बारे में। तो गाइस फैम हम लोग अपनी फैमिली के अलावा अपने बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड या फिर ग्रुप ऑफ क्लोज फ्रेंड्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे गाइस आपके कोई ग्रुप्स होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा आपके क्लोज होते हैं, या फिर गाइस आपके कोई फ्रेंड्स होते हैं, जैसे पंकज इज वन ऑफ माई फ्रेंड जो मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो मैं पंकज के लिए यूज कर सकता हूँ दैट ही इज माई फैम। तो चलिए गाइस अब हम एक सेंटेंस के हेल्प से जानेंगे कि हमें इस फैम को अपने सेंटेंस में कैसे कैसे यूज करना है। तो जो आप लोग के पास सेंटेंस है वो है, आई लव माई न्यू फैम हियर, यानी यहाँ पर जो मुझे नई फैमिली मिली है, जो मुझे लोग मिले हैं जो मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज है, उनसे मैं गाइस बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग फैम को अपने सेंटेंसेस में यूज करते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को फैम का मीनिंग अच्छे से समझ आया होगा, और अगर अच्छे से समझ आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने हमें हमारे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स फॉलो नहीं किया तो हमें वहाँ भी फॉलो कीजिए, सभी के सभी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन एंजॉय योरसेल्फ, कीप प्रैक्टिसिंग एंड गिव योर बेस्ट शॉट।